नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, पाइल्स कंसल्टेंट, मानव सेवा समिति हॉस्पिटल कोटा। आज हम पाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे और पाइल्स के बारे में जानेंगे कि पाइल्स क्या होता है, पाइल्स कैसे होता है, उसके बचाव के क्या तरीके हैं, और जब पाइल्स हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करवाना है, क्या करना है, योग वगैरह से उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, परहेज वगैरह से कितना उसमें फ़ायदा हो सकता है, ये सारी बातें हम आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स क्या है। पाइल्स एक मलद्वार के आसपास एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम तो उसको पाइल्स को अलग अलग भाषा में डिफाइन करते हैं, लेकिन आम आदमी जब मलद्वार के आसपास कोई भी बीमारी होती है तो उसको पाइल्स समझता है। लेकिन एक्चुअल में पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बहुत कम संभावना है कि उसको पेन हो, ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग होती है। जब पेशेंट लेटरिंग करने बैठता है तो उसको लेटरिंग के साथ ब्लड आता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, पिचकारी भी चल सकती है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ब्लड तो कम आता है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केसेस में हमें लगता है कि ये पेशेंट तो पाइल्स बोल रहा है लेकिन वो एक्चुअल में बवासीर होता है। ऐसी ही कुछ और डिजीजेज हैं जिनको बगंदर कहते हैं, फिस्टुला, या कोई छोटा मोटा एब्सेस हो सकता है जो लेटरिंग के रास्ते में अब पेशेंट को लगता है पाइल्स है। लेकिन पाइल्स के मुख्य लक्षण होते हैं उसमें ब्लीडिंग आती है लेटरिंग के साथ। पाइल्स जो है क्यों होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, पर ज़्यादातर ये माना गया है कि पाइल्स जो है वो फूड हैबिट्स की वजह से होता है। एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे टाइम से किसी पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको पाइल्स बनने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। कुछ केसेज में ऐसा देखा गया कि वो आनुवंशिक रूप से ही प्रेजेंट किया, हेरिडिटी, एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को पाइल्स होता है जिनकी फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में रहने के बाद भी उनको पाइल्स होता है बिकॉज ऑफ देयर हेरिडिटी। ये भी एक पाइल्स का कारण। पाइल्स में मेन जो लक्षण है उसका वो ब्लीडिंग है, बाकी उसके अलावा दूसरे लक्षण भी लेटरिंग के आसपास, लेटरिंग के रास्ते के आसपास सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है हल्का सा, ये इस तरह की उसमें लक्षण पाए जाते हैं। आप उसके जो आप बचाव की बात करें अगर उसमें, तो बचाव का सबसे अच्छा तरीका है अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें, जंक फूड्स, बहुत ही स्पाइसी फूड उनको अवॉइड करें, और इसके अलावा जर्द से बने जो उत्पाद होते हैं उनको आप अवॉइड करें, तो पाइल्स से बचना बड़ा आसान है। पाइल्स जो है वो शुरुआती स्टेज से लेकर बहुत हायर ग्रेड तक होता है। हमने उसके टाइप्स डिफाइन किए हुए हैं कि टाइप फर्स्ट, इसको अपन फर्स्ट डिग्री पाइल्स बोलते हैं, सेकंड डिग्री पाइल्स, थर्ड डिग्री पाइल्स और फोर्थ डिग्री पाइल्स। फर्स्ट डिग्री पाइल्स बहुत छोटे होते हैं और लेटरिंग के रास्ते के अंदर ही होते हैं, ब्लीडिंग आती है, फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग आती है। सेकेंड डिग्री पाइल्स में पाइल्स तो अंदर ही होते हैं लेटरिंग के रास्ते में, लेकिन उनकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री पाइल्स। थर्ड डिग्री पाइल्स इतने बड़े जाते हैं कि जब आप स्टूल पास करने बैठेंगे तो उस टाइम बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद फिर वो बाहर नहीं निकलते, वापस अंदर चले जाते हैं। ब्लीडिंग सबसे होती है, ब्लीडिंग तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और एक होते हैं फोर्थ डिग्री पाइल्स। वो ऐसे पाइल्स हैं, वो इतने बड़े जाते हैं कि परमानेंटली बाहर रहते हैं, जब भी आप उसको फील करोगे वो लेटरिंग के बाहर ही नजर आएंगे, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्टेज है पाइल्स की। अब अगर आपको पाइल्स हो जाता है तो उसके इलाज में डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है। हम लोग एलोपैथिक साइड से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग डिग्री के हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में और सेकंड डिग्री पाइल्स में एक स्क्लेरोजेंट आता है जिसको हम पाइल्स में इंजेक्ट कर देते हैं, उससे पाइल्स की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और पाइल्स अपने आप ड्राई हो जाते हैं। अगर पाइल्स थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री वाले हैं तो उनको कई बार हमने जो है एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, उनको एक्सरसाइज कर देते हैं। आजकल कुछ नई टेक्निक्स भी आई हैं जो लेज़र से उनको ड्राई कर देते हैं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स और सेकंड डिग्री पाइल्स को अक्सर दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, वो दवाओं से आराम से रेस्पॉन्ड करते हैं और अक्सर दवाओं से ठीक रहते हैं। थर्ड डिग्री पाइल्स और फोर्थ डिग्री पाइल्स में अक्सर उनको ऑपरेट करना पड़ता है। ये मैं एलोपैथी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आयुर्वेदिक साइड में, होम्योपैथी साइड में कई ऐसे उनके ट्रीटमेंट होते हैं जिससे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। परहेज में
अगर बात करें तो पाइस में परहेज का बड़ा योगदान है। अगर पेशेंट स्पाइसी फूड्स को, जंक फूड्स को, या अपना जो खाने का जो रूटीन होता है मॉर्निंग इवनिंग का, अगर उसको सेट करता है, टाइम पे खाना खाता है, अपनी डेली एक्टिविटी जो उसका मॉर्निंग वॉक होता है, या खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना करना, या खाना खाने के से पहले अच्छे से पानी पीना, सलाद खाना खाने के साथ में, ये अगर सारी प्रक्रियाएं अगर करता है तो उसको कब्ज से बचाव हो जाता है। और कब्ज मुख्य कारण है पाइल्स का। तो अगर पेशेंट अपनी फूड हैबिट्स में चेंजेस कर ले तो काफ़ी संभावना है कि वो पाइल से बच सकता है। उसके अलावा परहेज में एक इसमें टोबैको वगैरह, जर्दा, तंबाकू, गुटखा वगैरह, ये पाइल्स में उसकी पाइल्स की हीलिंग को बहुत अफेक्टेड करते हैं। पाइल्स में हीलिंग स्लो जाती है उससे, तो वो भी पाइल्स के अगर परहेज करते हैं तो वो भी पाइल्स में बहुत फ़ायदा करता है। पाइल्स में बेसिकली जो योग, प्राणायाम वगैरह जितनी भी ये प्रक्रियाएँ होती है, मेरे हिसाब से ये शायद किसी न किसी वे में कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन मुख्य कारण है पाइल्स का। तो ऐसे प्राणायाम, ऐसे योगा जो कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिट करते हैं, वो डेफिनेटली पाइल्स में बेनिफिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।